हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट सजेशन में। आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2019 जो आपने परीक्षा दिया था 27 और 28 जनवरी को, तो आपका परिणाम अभी तक आने वाला था मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक, लेकिन आप अब चल रहे हैं मार्च के थर्ड वीक लगभग चल रहा है, लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो मैं बता दूं, भर्ती बोर्ड ने क्लियर कराया है कि आपका रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आखिर जो इसमें विलंब हो रहा है, भर्ती बोर्ड ने इसमें क्या बताया है और आपके लिए इसमें नई लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका पता होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए आपका आचार संहिता लागू कर दी गई है प्रदेश में। इसके वजह से बहुत से हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये लग रहा है कि अब आचार संहिता लग चुकी है, तो अब हमारे भर्ती बोर्ड या जो आपका रिजल्ट है, परिणाम है, वह घोषित नहीं करेगा। लेकिन आपको बता दें, जो आचार संहिता का दायरा है उससे बाहर है भर्ती बोर्ड। जैसे कि इसके जो प्रमुख सचिव हैं अरविंद कुमार, उन्होंने साफ साफ कहा है कि चुनाव आचार संहिता के दायरे से भर्ती प्रक्रिया बोर्ड पूरी तरह से बाहर है। यानी कि यदि हम कहें तो आपके जो यह परिणाम घोषित करने का पूरा है जिम्मेदारी भर्ती बोर्ड का है, क्योंकि भर्ती बोर्ड के सामने एक और समस्या है। आपको पता है कि 2018 में भी एक परीक्षा कराई गई थी जून और अक्टूबर में, तो उसका भी अभी परिणाम घोषित हो चुका है। तो प्रशिक्षण के लिए कुछ सीटें कम पड़ रही हैं। सीटें का मतलब जो जगह नहीं होने के कारण आपका जो परिणाम में है उसको विलम्ब किया जा रहा है। आइए पूरा संबंधित इसी से जो न्यूज़ है, जो भर्ती बोर्ड ने बताया है, उसके अकॉर्डिंग मैं सारा कुछ आपको इसमें बताता हूँ कि क्या है। आप स्टार्टअप से देखिए, सिपाही भर्ती अक्टूबर 2018 का प्रारंभिक परिणाम जारी करने के लिए भर्ती बोर्ड ने तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि प्रशिक्षण क्षमता कम होने के कारण भर्ती बोर्ड प्रारंभिक परिणाम जारी नहीं कर पा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि अक्टूबर 2018 में निकली भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम तैयार है। परिणाम घोषित होने के बाद क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की दौड़ और उनके दस्तावेजों का सत्यापन कराने में अधिकतम 1 माह का समय लगेगा। उसके अगले 15 दिनों के अंदर अंतिम चयन परिणाम जारी हो सकता है। लेकिन बोर्ड के सामने परेशानी यह है कि जनवरी 2018 के तहत 41,520 पदों पर हुई सिपाहियों की भर्ती का परिणाम जारी हुए 1 महीना हो गया है। इनका प्रशिक्षण 2 चरणों में कराया जाएगा। ऐसे में अक्टूबर 2018 के चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए अगले वर्ष मई तक इंतजार करना पड़ेगा। प्रशिक्षण में विलम्ब की वजह से बोर्ड को कई तरह की परेशानी उठानी पड़ेगी, जिसमें असफल अभ्यर्थियों द्वारा भर्ती में अड़ंगा लगाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाने का अंदेशा भी रहता है। ऐसे में भर्ती बोर्ड असमंजस में है कि वह अक्टूबर 2018 भर्ती का प्रारंभिक परिणाम जारी करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाए या फिर चुनाव तक इंतजार करें। जैसा कि आपको मैंने सारा कुछ पहले बताया था, उसके अकॉर्डिंग अब आपने इसको पूरा समझ लिया, यानी कि भर्ती बोर्ड को यह लग रहा है कि यदि वो परिणाम जारी कर देता है और उसे प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया कैंडिडेट को, अभ्यर्थियों को, तो जो असफल अभ्यर्थी होंगे वो अनेक प्रकार से इस भर्ती प्रक्रिया को डिस्टर्ब करने के लिए, इस भर्ती प्रक्रिया पे स्टे करने के लिए अनेक हथकंडे अपना सकते हैं, जिसके कारण भर्ती बोर्ड यह नहीं चाहता है कि किसी भी प्रकार की इस भर्ती बोर्ड में इस भर्ती में रुकावट आए, आपका चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का अनवांटेड दखल दिया जाए, अनैतिक दखल दिया जाए। इसलिए वो यह सोच रहा है कि या तो अभी रिजल्ट दे दे, अभी रिजल्ट देगा तो फिर आपको, जैसा कि इसमें बता रहा है, कि आपको मई 2019 तक का वेट करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अभी वो ये सोच रहा है कि रिजल्ट आपका दे या ना दे। जैसे ही वो कुछ क्लियर करता है आपको नेक्स्ट अपडेट में बता दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि चुनाव आचार संहिता से दायरे से बाहर है भर्ती बोर्ड। अब इसको मैं बताता हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। आप आपको देखिए, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप भी देख पाएंगे। चुनाव आचार संहिता के दायरे से बाहर है भर्ती बोर्ड। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार का कहना है कि भर्ती बोर्ड चुनाव आचार संहिता के दायरे में नहीं आता, भर्ती प्रक्रिया पूर्व में शुरू हो चुकी है। ऐसे में न तो लिखित परीक्षा परिणाम घोषित करने में चुनाव आयोग की वजह से कोई बाधा है और न ही दस्तावेजों का सत्यापन कराने और शारीरिक मानक परीक्षण कराने में। ऐसे में प्रशिक्षण की चुनौती ही बोर्ड और पुलिस महकमे के लिए बड़ा सिरदर्द है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कहीं जो प्रशिक्षण के लिए उतने जगह नहीं है कि जो सभी अभ्यर्थियों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जा सके। ऐसे में केवल एक ही रास्ता बचता है वेट करने का, या फिर कोई अन्य रास्ता। जैसे ही भर्ती बोर्ड निकालती है आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा, और जैसे
कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको सूचना मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर ऐसे ही सबसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आते रहते हैं जिससे कि आपको फ़ायदा हो सकता है। और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बराबर में एक बेल आइकन आएगा, तो आप उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू एंड जय हिंद।